टूर्नामेंट, और यही सोचकर अब रत्नागिरी का ये रेनी सीजन का जो टूर्नामेंट है वो आगे बढ़ाने की कोशिश है। आने वाला मुकाबला एक बार फिर देखिए यूट्यूब पर दर्शक देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के अंदर दर्शक देख रहे हैं। आने वाला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, TWJ डोमिनेटर्स गुहागर और डॉक्टर्स इलेवन दापोली। TWJ डोमिनेटर्स गुहागर ने टॉस जीता, डॉक्टर इलेवन ने टॉस जीता और कहा हम पहले बल्ले बल्ले करना पसंद करेंगे, यानी इन्होंने कहा हम बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, मुख्य गेंदबाज हैं, प्रहार्मिक गेंदबाज रहेंगे राकेश वैभव पवार, बाकी जो वैभव पवार हैं प्रहार्मिक गेंदबाज। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, रोचक मुकाबला है। स्ट्राइकर गेंद पर अमय पालकर, नॉन स्ट्राइकर गेंद पर मोहसिन बुरनकर। पहली गेंद वैभव, लाजवाब, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लुक एट दिस बॉलर, ऑफ टाइम के बाहर पिचिंग किया था, थोड़ी सी उछाल लेती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, लाइन बिल्कुल सही है, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ टाइम के बाहर गए, तीखी लाइन के साथ गेंदबाजी है। इनका कद बड़ा नहीं है, ज्यादा इनके पास अनुभव भी नहीं है, मगर कमाल की गेंद थी अमय पालकर के खिलाफ। इस ओवर की दूसरी गेंद, ऑफसाइड पर चार खिलाड़ी हैं, यह भी अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत के साथ बैकफुट पंच है, खिलाड़ी है और इनके सर के ऊपर गेंद बहुत बार। अमय पालकर ने बताया मैं दापोली से लेकर यहां पर क्यों आया हूं, शेर की झलक सबसे अलग है, जबरदस्त स्ट्रोक का बैकफुट पंच था और क्लासिकल स्ट्रोक मैदान के अंदर। लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है, जबरदस्त स्ट्रोक, ऑफ टंप के बाहर थी, पहली गेंद समझ नहीं पाए थे, दूसरी गेंद पर एक बार फिर नजरें टिकाई, बैकफुट पंच था, पॉइंट डीप पॉइंट पर खिलाड़ी थे मगर इनके सर के ऊपर से गेंद गई है। छह रनों के साथ खाता खुलता था, बल्लेबाज जमकर खेल रहे हैं। एक गेंद पर, पहली गेंद पर कहानी गेंदबाज के पास थी, दूसरी गेंद की कहानी बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास है। दो गेंदों का खेल समाप्त है, रन संख्या कुल मिलाकर डॉक्टर इलेवन दापोली सिक्स पर पहुंचे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज वैभव पवार मुख्य गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ गए हैं। ऑन साइड पर मिड ऑन पर एक खिलाड़ी अंदर है और बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। इस उम्र की अगली गेंद ओवर द विकेट, यह गेंद बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश हवा में है, मैदान के अंदर उंगली ऊपर, कैच नहीं बना पाए मगर रनआउट का विकेट, विकेट कीपर प्रथमेश महेंद्र है, चतुराई दिखाई है, सबसे बड़ा विकेट, बड़ी मछली आप लगते हुए मोहसिन को बैक टू पवेलियन लाना पड़ेगा। कैच लेने की कोशिश की थी मगर टप्पा करने के बाद हाथों में गेंद आई, मोहसिन अपने क्रीज में पहुंच नहीं पाए, अब जाकर बाहर आ रहे, निराश है। पहले मैच के अंदर इन्हें कुछ करना था और इन्होंने कहा है बी किंग चैंपियन ट्रॉफी में हम कुछ कर दिखाने के लिए आए हैं, मगर इनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मोहसिन बुरनकर आउट फॉर डैक, एक भी गेंद खेल नहीं पाए हैं, निराश हो गए, देखिए लौट रहे हैं डकआउट की तरफ। रन संख्या कुल मिलाकर छह रन, पहला विकेट डॉक्टर इलेवन दापोली का गिरता हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर ये रेनी सीजन का टूर्नामेंट 2022 सफल टूर्नामेंट चल रहा है। डॉक्टर इलेवन दापोली बनाम TWJ डोमिनेटर्स गुहागर, और TWJ डोमिनेटर्स गुहागर की बात की जाए तो अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनकी टीम खेल रही है। बंबई के ऐसे कई टूर्नामेंट है जिसके अंदर TWJ डोमिनेटर पालघर के नाम से खेले हैं, पालघर की टीम TWJ डोमिनेटर्स के नाम के साथ बंबई में कई टूर्नामेंट, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इनका प्रदर्शन कमाल का था, जबरदस्त खेले थे। सुप्रीमो के अंदर इनका प्रदर्शन कमाल का था और ये अब जाकर पहले इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आगाज किया, उसके बाद चमकते चमकते आगे गए हैं, अब ये रुकने वाले नहीं है। रन संख्या खुद मिलाकर छह पर पहुंचे गए, मैच की तरफ रुक करेंगे नए बल्लेबाज अनूप देशमुख। इस ओवर की अगली गेंद वैभव पवार ओवर द विकेट, शानदार गए, शानदार गए, टप्पा बिल्कुल सही है, उछाल लेते भी गेंद, अब जाकर विकेट कीपर के नो बॉल आया है, अंपायर का सिग्नल नो बॉल का आता हुआ, गेंदबाज शायद थोड़े सा आगे चले गए हैं। यहां से अगर बात कीजिए तो आपको एक बार फिर आपका रिदम अच्छा होना चाहिए, आपका रनअप अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा शायद कहीं तो आगे चले गए थे। रन संख्या मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ एक रन के साथ सात पर पहुंचे, एक विकेट के नुकसान पर। 2022 की पिक्चर है सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट, मौका किसके पास है, अनूप देशमुख के पास है,
जो तीसरे नंबर पर आए हैं। और तीसरे नंबर का महत्व भारत के अंदर रहा गया अच्छा, उसके बाद टेनिस के अंदर अच्छा रहा गया, अब रबर बॉल का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर तीसरे बॉल का भी महत्व, तीसरे नंबर का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई, अंपायर क्या हमारी तरफ रुक करने वाले ये भी देखना बहुत जरूरी है। गेंद विकेट कीपर के हाथों से यहाँ से चली गई, वाइड बॉल का सिग्नल यानी दो रन मिलने वाले हैं, ज्यादा बाहर जा रहे हैं, अंदर की तरफ आने की जरूरत है। ऑफ स्टंप से चौथे पांचवें स्टंप की तरफ गेंदबाजी करने की जरूरत है, ऑफ स्टंप के बाहर उछाल देने की जरूरत है, मगर गेंदबाज लेग स्टंप से बाहर जा रहे, अंदर आएंगे तो बात बन सकती है। दो रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 9, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट और मौका अमय पालकर के पास है जिन्होंने एक छक्का बैकफुट पंच लगाया था। इस ओवर की अगली गेंद फ्री हिट वाली गेंद, वैभव पवार थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के अंदर इनके कोच राजू कनकुटकर साहब भी जुड़े हुए हैं और राजू कनकुटकर साहब TWJ के नाम अब पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, TWJ पालघर, TWJ डोमिनेटर्स गुहागर, इस नाम के साथ दोनों भी टीम तगड़ी है, गुहागर की टीम भी तगड़ी है, उसके बाद पालघर की टीम जो है उसके ऊपर TWJ का टैग लगा है, वो भी जबरदस्त टीम है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज वैभव पवार, और TWJ ने ऐसा हीरा ढूंढ कर लाया ना, वो हीरा सबसे कमाल का था, प्रशांत घरत इस साल महाराष्ट्र में जो चमके TWJ का टैग लेके, वो खिलाड़ी सबसे जबरदस्त है, सब टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन कमाल का रहा। चर्चा लगातार रहेंगी, इस टूर्नामेंट के बारे में भी चर्चा रहेंगी, चैंपियन ट्रॉफी के बारे में भी चर्चा रहेंगी, रत्नागिरी के खिलाड़ी के बारे में चर्चा रहेंगी और स्टारकास्ट खिलाड़ी के बारे में चर्चा रहेगी। यह अच्छी गेंदी बैकफुट पर जाकर एक बार फिर कट करने की कोशिश है, नरम हाथों के साथ खेलते हुए फ्रीट वाली गेंद भी, बॉटम का इस्तेमाल किया, कलाई का इस्तेमाल किया और कलाई के सारे इस गेंद को हल्के हाथों से मोड़ दिया। एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर, मोहसिन बुरनकर आउट फॉर डैक, रन आउट का विकेट मोहसिन बुरनकर का गिरा। इस ओवर की अगली गेंद ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाज ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं तो गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुविधा गेंदबाजों के ऊपर गए हैं, दबाव गेंदबाजों के ऊपर बना हुआ गए। डॉक्टर्स 11 दापोली बनाम TWJ डोमिनेटर्स गुहागर, इन दोनों के बीच का ये बैटल चल रहा है। टॉस डॉक्टर्स 11 दापोली ने जीता और कहा बल्लेबाजी करेंगे, पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की कहानी कुल मिलाकर 11 पर रुकी हुई है। अनूप देशमुख ऑन स्ट्राइक, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, जगह बना लिया था, डीप फाइंडिंग की तरफ खेलते हुए गेंद डीप फाइंडिंग पर ट्रैवल होते हुए खिलाड़ी वहां पड़ते मगर रोक नहीं पाए गए, 4 रनों का इशारा। महत्वाची सूचना असेल, महत्वाची सूचना आहे लक्षात ठेवा, डॉक्टर्स इलेवन दापोली आपण डकआउट मध्ये बसा, खाली डकआउट आहे, सीमारेषेवरती एक एक खेळाडू उभा राहणार नाही, प्लीज सहकार्य करा या स्पर्धेला। आणि रत्नागिरी मैच की तरफ जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी के टूर्नामेंट के अंदर स्वागत है, बी अ किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1। और हमारे ऑर्गेनाइजर की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट को सफल बना करने के लिए दीपक पवार साहब का सबसे ज्यादा योगदान। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, निगाह एक बार फिर गेंद पर नहीं है, टप्पा बिल्कुल सही है, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है, गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग चढ़ा के रंग में बंग खिलाड़ी खेल रहे गए। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त, रन संख्या 15 रन एक विकेट के नुकसान पर, डॉक्टर 11 दापोली की रन संख्या आप देख रहे हैं। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही है और अगर बात की जाए तो विकेट गिरा के ये थोड़ी सी दुविधा है। गेंदबाजों की बात की जाए तो वैभव पवार थोड़े से महंगे साबित हुए पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ गए। चलिए ज्यादा चर्चा नहीं करने, सभी खिलाड़ी अपने जगह पर जाएंगे, दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज को लाना बहुत जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझना है, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, घड़ी के कांटे की तरफ ध्यान देना है और घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है।
वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और चाहे तो वक्त को खरीदा नहीं जा सकता है। आकाश सकपाल मैन फ्रॉम दापोली के खिलाफ अब गेंदबाजी करेंगे और ये खिलाड़ी अगर बात की जाए तो कई साल से TWJ डोमिनेटर्स गुहागर के लिए खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए दूसरे प्रमुख गेंदबाज का इस्तेमाल मैदान के अंदर होता है। आकाश सकपाल आएंगे स्ट्राइक एंड गेंद पर। अमय पालकर जिन्होंने एक छक्का लगाकर 7 पर खेल रहे हैं। अनूप देशमुख एक चौका लगाकर 4 रनों पर खेल रहे हैं। आकाश सकपाल दापोली के खिलाड़ी हैं। दूसरे ओवर के अंदर TWJ डोमिनेटर्स गुहागर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सही लाइन है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी, मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। रन संख्या अभी भी स्कोर कार्ड के पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अगली गेंद राउंड द विकेट शानदार है। अमय पालकर को एक बार फिर दुविधा में डाला गया। बल्लेबाज की परेशानी क्या है, इनके कदम नहीं चल रहे हैं, ये खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास फुटवर्क नहीं है और ये चाहते हैं कि बल्ले पर गेंद आए, खड़े खड़े में बड़ा स्ट्रोक खेलूं, इतना आसान नहीं है। मैट पर ये क्रिकेट चल रहा है। 2022 का ये रन संग्राम और महासंग्राम। रन संख्या अभी भी स्कोर कार्ड के पर 15 लॉस ऑफ 1। शानदार गए, क्या गेंदबाजी का प्रदर्शन है। आकाश सकपाल यही बता रहे हैं, मैं दापोली से बिलोंग कर रहा हूँ, TWJ डोमिनेटर्स में आज मैं क्यों खेल रहा हूँ, गुहागर की टीम में मेरी एक बार फिर देखिए जगह क्यों बनी है और बड़ी टीम के अंदर मेरा एक बार फिर नंबर क्यों आता है। प्रमुख दूसरे गेंदबाज के इस्तेमाल में आकाश सकपाल ने अभी तक 3 गेंदे बिंदी लाई है। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर के अगली गेंद शानदार गेंद है, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, उड़ाया आसमान की तरफ, तारामंडल में है, गेंद बाउंड के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच प्रॉपर टाइमिंग है, मिड विकेट और काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड के बाहर, वहां पर खिलाड़ी खड़े थे, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड के बाहर गई है, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, जबरदस्त स्ट्रोक। 3 गेंदे हैं, बल्लेबाज अमय पालकर स्ट्रगल कर रहे थे और चौथी गेंद पर यहां से जवाब दिया है। रन संख्या 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस इन सेकेंड ओवर नाउ। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, सभी खिलाड़ी अब जाकर आकाश सकपाल को समझा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, अच्छी गेंद थी, ऑफ टर्म के थोड़ी सी बाहर थी, नीचे रहती हुई गेंद को हल्के हाथों के साथ कट कर दिया, गेंद शॉर्ट कवर की तरफ आते हुए गेंद पास खुद आकर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन मुकम्मल किया गया। दोनों बल्लेबाजों के बाद पर्याप्त समय था, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, 5 गेंदों के अंदर 7 रन खर्च किए गए, 22 रन 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मैच है, डॉक्टर 11 दापोली बनाम TWJ डोमिनेटर्स गुहागर, इनके बीच का बैटल चल रहा है। इस ओवर की अब जाकर आखिरी गेंद शेष, दूसरा ओवर चल रहा है, आकाश सकपाल राउंड विकेट, अच्छी गिनती जगह बनाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद यहां से आउट होकर अमय पालकर को मारना होगा, कोई जरूरत नहीं थी रन लेने की, अनुप तैयार नहीं थे, अमय पालकर रन लेना चाहते थे, अब यहां से विकेट गिनने वाला गए, दूसरे विकेट का पतंग, दूसरी सफलता मैदान के अंदर, रनआउट का विकेट, दूसरा विकेट गिरा, अमय पालकर बैक टू पवेलियन, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर समाप्त, डॉक्टर 11 दापोली की रन संख्या। रन संख्या 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता, 22 पर पहुंचे गए, 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी है, फिलहाल में डकआउट की तरफ लौट रहे हैं। अमय पालकर एक जबरदस्त खिलाड़ी है जिन्होंने इस मैच के अंदर 2 छक्के लगाए थे, 14 रन बनाकर डकआउट की तरफ लौटे गए। अमय पालकर की अगर बात की जाए तो 14 रनों का योगदान, 22 के अंदर 14 रन इन्होंने बनाए और 8 गेंदों का सामना किया था। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अमय पालकर की जगह लेकर चौथे नंबर पर ऋषि जा रहे हैं। ऋषि अब मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं डॉक्टर 11 दापोली के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचते हुए हैं ऋषि बरे स्ट्राइकर गेंद पर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। सौरभ पवार
शानदार गए। ये भी खिलाड़ी रत्नागिरी जिले के अंदर यंगस्टर में बड़ा नाम करने वाले खिलाड़ी है। अगर बात की जाए तो ये बिलोंग ओमली से करते गए। ओमली अगर देखा जाए तो छोटा सा गांव है, मगर ये खिलाड़ी के अंदर टैलेंट कूट कूट कर बड़ा भाग है। बड़े मंच के बड़े सरपंच है इस उम्र के अगली गेंद। शानदार गए। ऋषि का बल्ला हवा में गुमराह, आने के साथ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। शॉर्ट सिलेक्शन अच्छा रही है, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर देखने के लिए मिलता है। सौरभ पवार द्वारा मैन फ्रॉम ओमली, ओमली के खिलाड़ी है। और तीसरे ओवर के अंदर टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स ग्वागर ने इनको मौका दिया है। दो गेंदें बिंदी आई है, तीसरी गेंद लेकर ओवर द विकेट। शानदार गए। बल्लेबाज की बात की जाए तो बैकफुट पर जाकर खेलना पसंद कर रहे, पीछे जाकर खेलना पसंद करे। पीछे आओगे तो दुनिया कदम खींचेगी, आगे जाओगे तो दुनिया सलाम करने वाली है। आगे रहना पसंद करना है, और दुनिया में आगे रहोगे तो दुनिया सलाम और नमस्कार करने वाली है। आप पीछे जाओगे तो दुनिया आपके कदम खींचेगी। ये पीछे जाकर खेलना पसंद करे। सोच इतनी अच्छी नहीं है, सोच के दायरे को बदलना होगा। रन संख्या 22 पर रुके हुए, तीन गेंदें बिंदी आई है। सौरभ पवार क्या गेंदबाजी करे, छोटे कद के खिलाड़ी है इस उम्र के। गेंद शानदार गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। सौरभ को मिलने वाली इस ओवर के अंदर पहली सफलता, और डॉक्टर इलेवन दापोली को तीसरा झटका, तीसरी उम्मीद टूटी भी। 22 रनों पर लगने वाला यह तीसरा झटका आप देख रहे हैं इस ओवर के अंदर। गेंदबाज का बोल बाला और बल्लेबाज का बेंड बाजा बजरा के, जबरदस्त प्रदर्शन सौरभ पवार द्वारा। छोटे कद के खिलाड़ी, और क्रिकेट में कद कहां देखा जाता है, कद देखा जाता तो पार्थिव पटेल की जगह कभी नहीं बनती भारत के अंदर। यही कहानी है। ऐसे कई खिलाड़ी जिनका कद बहुत छोटा था, मगर उन्होंने कारनामा बहुत अच्छे तरीके से कारनामा अंजाम दिया, अपना खेल अच्छे तरीके से दिखाया, अपना टैलेंट अच्छे तरीके से दिखाया। सौरभ पवार की अगर बात की जाए तो अभी भी फिलहाल में चार गेंदे कर चुके हैं और एक विकेट इनके खाते के अंदर है। चार गेंदों में एक भी रन नहीं दिया, ये इनके खासियत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते पे बंडिया नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। बंडिया शिर्के नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पांचवें नंबर पर, तीन विकेट के नुकसान पर 22 रन। ऋषि की बात की जाए तो चार गेंदों का सामना किया, एक भी रन नहीं बना पाए, आउट फॉर डक। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। सौरभ पवार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट अपने बॉडी मान पर, ज्यादा उछाले आने के साथ अग्नि परीक्षा बाउंसर से, मगर अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे हैं। ज्यादा ऊपर चली गई थी, इनका कद छोटा गया, मगर इनकी गेंद ज्यादा ऊपर जा रही है, और ऊपर की तरफ ज्यादा गई तो अंपायर ने व्हाइट बॉल का सिग्नल दिया। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या में इजाफा 23, तीन विकेट के नुकसान पर डॉक्टर इलेवन दापोली। तीसरे ओवर के अंदर ऑफ साइड पर चार खिलाड़ी, ऑन साइड पर पांच खिलाड़ी हैं इस ओवर के पांचवी गेंद लेकर। कमाल की गेंद बैकफुट पर चले गए। बंडिया बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर गेंद को आसानी के साथ खेल दिया। बैकफुट पंच करने की कोशिश लगातार चल रही है, और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश के लिए पहला रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए है, एक बार फिर देखिए कोशिश हो रही थी, मगर एक रन से संतोष होना पड़ेगा। एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 24। इस ओवर के अंदर अभी भी दो ही रन आए, एक गेंद वाइड थी, उसके बाद अब जाकर बल्ले से एक ही रन आया। पांच गेंदों के अंदर दो रन, एक सफलता इनके नाम पर है। सफल गेंदबाज, क्लासिकल गेंदबाज टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स के सौरभ पवार, मैन फ्रॉम ओमली, स्ट्राइकर एंड पर अनूप देशमुख। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शानदार गए, पैरों पर जाकर टकराई है, विकेट के बीच में पाए गए, यहां से बाहर लौटना होगा। एलबीडब्ल्यू का विकेट सीधी जाकर पैरों पर टकराई, विकेट के बीच में पाए गए। उंगली ऊपर होती भी, उंगली जब उठती है तब खराब काम होता है। मैदान के अंदर सेलिब्रेशन है, और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक और झटका लगता है। चौथा झटका रन संख्या 24 पर लगा। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक ओवर किया, दो रन दिए, वो भी एक एक्स्ट्रा की मदद से, बल्ले से एक ही रन आया, और इस ओवर के अंदर दो शिकार किए। सौरभ आपने किए गए दो शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और इन्होंने कहा है रेनी चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी के अंदर हम भी हैं रंग भरने के लिए तैयार। और आज इनका जो अगर ड्रेस कोड का रंग दिखा जाए तो भी जबरदस्त है। इन्होंने कहा है रंग भरने के लिए हम भी आए गए छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर, बी अ किंग रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। रन संख्या 24 रन, तीन ओवर का खेल समाप्त होता।
मैदान के अंदर चर्चा लगातार चल रही है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्वप्निल शिंदे कैप्टन, अब जाकर बल्लेबाजी करने के लिए चार विकेट जाने के बाद छठे नंबर पर आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर 24 रन चंद्रकांत आए हैं। ऑन साइड पर पांच खिलाड़ी आकाश सकपाल थोड़े से आगे खड़े हैं, बंडिया स्ट्राइकर एंड पर है, नॉन स्ट्राइकर पर स्वप्निल शिंदे, चंद्रकांत इन्हें भी प्रभावित किया गया। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार गए, थोड़ा सा रिदम से चुके गए। रन संख्या 24 रन चार विकेट के नुकसान पर तीन ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या अच्छी है मगर विकेट जो गिर रहे ना वो दुविधा है। 18 में 24 आपने रन संख्या सही बनाई है मगर विकेट नहीं गिरने चाहिए, लगातार विकेट गिरे और विकेट गिरते हैं तो गुच्छे में गिरते हैं। इस ओवर के अगली गेंद नेक्स्ट रन से ज्यादा बाहर चले गए हैं। पहली गेंद पर अनुशासन नहीं है, सही टप्पा नहीं है, लाइन से भटक रहे हैं, वाइड बॉल का सिग्नल, मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या में इजाफा होगा। लाइन से भटकोगे तो पड़ेगे फटके, अंदर की तरफ आने की जरूरत है। यह पहली गेंद पर लेग स्टंप के बाहर के वाइट बोर्ड का सिग्नल। रन संख्या कुल मिलाकर 25 ऑन स्क्वायर बोर्ड। मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, आप देख रहे हैं बी अ किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1 रत्नागिरी। पहला साल बेमिसाल, कमाल धमाल बेमिसाल है। बंडिया ऑन स्ट्राइक है, नॉन स्ट्राइक पर स्वप्निल शिंदे को आप देख रहे हैं। अच्छा मैच मैदान के अंदर है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, एक जबरदस्त खेल मैदान के अंदर बैटल एक बार फिर अच्छा चलता था। मैच की तरफ जाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। दिशा में परिवर्तन किया, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करके हैं। इनके पैर नहीं रुक रहे हैं और मुझे एक ही गाना याद है, रुक बाबा रुक, रुकना है ऐसा ऐसे। एक बार भी देखिए कई गेंदबाजों के साथ होता है, पैर रुक नहीं रहे विकेट के ऊपर क्या। अब जाकर यहां से अगर देखना है गेंदबाज चंद्रकांत अपने ओवर के अंदर कमाल करेंगे या बल्लेबाज धमाल करने वाले हैं। चर्चा लगातार मैदान के अंदर चल रही है और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। रन संख्या 25 रन चार ओवर का खेल समाप्त है। चंद्रकांत ने पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है और हमारे अतिथि कक्ष के अंदर हमारे जो यहाँ से मेहमान का जो कक्ष है उसके अंदर रहीम भाई सैबुले जुड़े हुए हैं। रहीम भाई सैबुले आपका तहे दिल के साथ स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर, बी आर किंग रेनी चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी, और प्राउड मोमेंट है रत्नागिरी का, रेनी ट्रॉफी है पहली बार है तो रहीम भाई भी एक बार फिर आनंद लेने के लिए पहुँच चुके हैं। रहीम भाई का, रहीम भाई और दीपक पवार सर के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं और यही चाहते हैं कि रत्नागिरी आगे बढ़े, रत्नागिरी आगे और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, हर एक का सपना है। मैच की तरफ जाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज चंद्रकांत तैयार हैं। इस ओवर की अगली गेंद, इसके इस गेंद के बाद चर्चा भी करने वाले और एक व्यक्तिमत्व है जो चाहते हैं कि रत्नागिरी आगे जाए, इसके बारे में भी चर्चा रहेंगे। गेंदबाज चंद्रकांत तैयार, अच्छी है अच्छी है, लाइन बिल्कुल सही है और शानदार लाइन है, टप्पा बिल्कुल सही था, उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए विकेट टू विकेट गेंदबाजी है, विकेट के बीच में समाप्ति करने की कोशिश, बंडा समझ नहीं पाए, बंडे ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। इस ओवर की दूसरी गेंद 25 रन चौथा ओवर जारी है, ये खराब है, मुझे लग रहा है चंद्रकांत की तारीफ इनको अच्छी नहीं लगी है, ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं। दिशा में परिवर्तन जरूर किया मगर लाइन सटीक नहीं है, टप्पा बिल्कुल खराब है, नो बॉल का सिग्नल अंपायर का, टप्पा अंपायर ने दो बॉल का सिग्नल दिया गया। एक बार फिर देखिए इस ओवर के अंदर सेकंड बाउंस का इस्तेमाल, ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अगर बात की जाए तो चंद्रकांत की खासियत ही है ज़्यादा उछाल भरी गेंदबाजी करते हैं और आज इनको रबर बॉल के अंदर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं है, सभी खिलाड़ी वही समझा रहे हैं और सभी खिलाड़ी आकर क्या समझा रहे मुझे नहीं समझ रहा है। सभी खिलाड़ी आ रहे हैं इनको यही बता रहे कि आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, लाइन टू लाइन गेंदबाजी करनी है और सभी खिलाड़ी अब अपने जगह पर जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स ग्वागर घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है और एक इनिंग आपको वक्त के अंदर समाप्त करनी है, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। और रत्नागिरी का ये रेनी सीजन का जो टूर्नामेंट है वो सबसे सफल चल रहा है, अब तक सफल है, आज का आखिरी दिन है, ग्रैंड फाइनल के दिन है, सबकी नजरें इसी टूर्नामेंट पर है। चंद्रकांत गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर गेंद पर स्वप्निल शिंदे ऑन स्ट्राइक कैप्टन, चार विकेट जाने के बाद गए, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अवे फ्रॉम बॉडी खेलना चाहते थे
ऑफ्टम के काफी बाहर थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, टप्पा काटी बिगेन विकेट कीपर के दस्ताने में, रन संख्या वही पर रुकी गए 27, लॉस ऑफ 4 विकेट, प्रोग्रेसिंग फोर्थ ओवर नाउ, चौथे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज चंद्रकांत तैयार, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, स्वप्निल के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे मगर आखिरी मोमेंट पर बल्ले के मुंह को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाया और बल्ले का फेस जो है वो पूरी तरीके से खुलना होगा। आपका टेलीग्राम ऑन साइड पर है, आपका ट्रिगर मूवमेंट ऑन साइड पर है, तो बल्ला एक बार फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया था मगर एक ही रन के साथ इजाफा होगा, एक रन के साथ रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। ओवर की बात की जो चौथा ओवर चल रहा है, आप देख रहे हैं मुकाबला डॉक्टर 11 दापोली की टीम बल्लेबाजी कर रही है और पहले फील्डिंग टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स गुहागर, इनके बीच का बैटल, पहले पारी का खेल मैदान के अंदर, बैकफुट पर चले गए, टक की आवाज है, खुद बल्लेबाज बाहर आ गए हैं, टक की आवाज यहां दिखाई दी, एक और झटका लगता हुआ, पांचवी उम्मीद, पांचवी सफलता मैदान के अंदर, पांचवा झटका, रन संख्या फिर मिलाकर 28 रनों पर, उम्मीद टूटती भी नजर आ रही है, 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन। बंडा बैक टू पवेलियन एक्सपीरियंस कैंप पर थे और मैंने इनको कई मैदान पर खेलते हुए देखा, बंडा कई पुराने खिलाड़ी, इनको रुकने की जरूरत थी मगर ये विकेट पर रुक नहीं पाए हैं, विकेट गमाकर डकआउट की तरफ, 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन। स्वप्निल नॉन स्ट्राइक रन पर अभी भी डटे हुए कैप्टन हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 7वें नंबर पर बैटिंग करने नुकसान पर आप देख रहे हैं 28 रन बने गए। डॉक्टर 11 दापुनी की रन संख्या, टॉस जीतने के बाद इन्होंने भी यही कहा कि हम पहले बल्ले बल्ले करना पसंद करें, बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये सोच किस तरीके की वो भी देखना बहुत जरूरी है। गेंदबाज तैयार, ज्यादा बाहर दे, ज्यादा बाहर गए, ज्यादा बाहर चले गए, हमारी तरफ अंपायर जुड़ते हुए व्हाइट बॉल का सिग्नल आता हुआ, ऑफ टाइम के काफी बाहर चले गए हैं और चंद्रकांत की बात की जाए तो इस ओवर के अंदर थोड़ी सी दुविधा खुद के ऊपर ले रहे, अपनी टीम के ऊपर ले रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 29, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए केशव, इस ओवर के अगली गेंद शानदार गेंद है, जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, शायद जाकर विकेट पर लगी है, क्लीन बॉल होते हुए चारों खाने छेद, एक और झटका, एक और सफलता इस ओवर के अंदर, चंद्रकांत ओवर के अंदर कमाल कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, अब जाकर 29 विकेट की बात की जाए तो छठा विकेट गिरता हुआ, लगातार विकेट गिर रहे हैं, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, डॉक्टर 11 दापोली अब दबाव के अंदर जा रहे हैं। अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए जाते हुए श्रेष कठाउकर, ये नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रहेंगे, आउट होने वाले खिलाड़ी आप देख रहे हैं केशव साबाले, ये बैक टू पवेलियन आए, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए पहुंचते हुए श्रेयस कटाउकर, स्वप्निल शिंदे का साथ देने के लिए पहुंचे गए हैं, 6 विकेट के नुकसान पर 29 रन, चौथा ओवर चल रहा है और चौथे ओवर की कहानी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा बड़ा ओवर कर रहे हैं। श्रेयस कटाउकर अब जाकर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, चंद्रकांत की बात की जाए तो पहले ओवर के अंदर वैभव पवार आए थे 15 रन दे, उसके बाद वापसी आकाश सकपाल ने की 7 रन, सौरभ पवार जिन्होंने सबसे जबरदस्त प्रदर्शन, 2 रन का ओवर, अब जाकर चौथा ओवर चल रहा है, शानदार गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, शॉट इतना चेक नहीं है, मिस्ड आर्म स्ट्रोक है, हवा में गए, लपक लिया कैच, ये कैप्टन है प्रथमेश महेंद्र, जबरदस्त प्रदर्शन है, इनको कैप्टनसी क्यों दी गई है इसका ये जवाब देते हुए, शानदार कैच है, थोड़ा सा पीछे की तरफ आए और एक जानदार कैच, जबरदस्त कैच, शानदार कैच देखने के लिए मिला। रन संख्या खुद मिलाकर अब जाकर 29 पर रुके हुए, लगातार विकेट गिर रहे हैं, विकेट गिरने का सिलसिला मैदान के अंदर जारी है, खिलाड़ी आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नंबर लगाकर वापस आते हुए, एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, विकेट गिरने का सिलसिला मैदान के अंदर चल रहा है। विकेट की अगर बात की जाए तो 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी रन संख्या 29 पर रुके हुए हैं, 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता, बस 4 ओवर का खेल समाप्त है, रन संख्या कुल मिलाकर 29, डॉक्टर 11 दापोली 7 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन का नाम हमारे तक आना चाहिए, बल्लेबाज का नाम बताइए,
बल्लेबाज का नाम बताना है, नहीं बल्लेबाज अक्षय निभाते, सात विकेट जाने के बाद अक्षय निभाते आए हैं। सौरभ पवार को एक बार फिर बुलाया गया पांचवें ओवर के अंदर, जिन्होंने दो रन का ओवर इसके पहले किया था। अच्छी गेंदी बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए गेंद एक बार फिर वायदेश एक्स्ट्रा कवर की तरफ आते हुए मिडाउ पर वायदेश एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाकर गेंद रुकी गए, एक रन के साथ इजाफा होगा। स्वप्निल शिंदे अपने पास स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे। 30 रन सात विकेट के नुकसान पर, 30 लॉस ऑफ सेवन विकेट, प्रोग्रेस इन फिफ्थ ओवर नाउ। डॉक्टर इलेवन दापोली टॉप जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर फील्डिंग देखे, डीप फाइन लेग स्क्वेयर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सौरभ पवार, ओवर द विकेट शानदार गए, टप्पा बिल्कुल सही थी। ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश है, अगर देखा जाए तो इनका भी टेलीग्राम और ट्रिगर मूवमेंट ऑन साइड पर था। टप्पा खाने के बाद शरीर पर टकराने के बाद गेंद पीछे की तरफ गई, अंपायर का सिग्नल लेग बाय का टप्पा मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ। अभी भी अगर देखा जाए तो शरीर पर लगातार गेंद टकरा रही है, बल्ले पर नहीं लग रही है। एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 31, सात विकेट के नुकसान पर। आखिरी चार गेंदे शेष हैं, दोनों के लिए विशेष है और बहुत महत्व है। चार गेंदों में 10 भी बनाते हैं टारगेट अच्छा बन सकता है, टोटल अच्छा बनाना है। टी फोर टैग की लड़ाई है और जीतते हो तो सपना पूरा होगा। बड़ा स्ट्रोक, वाह भाई वाह, अक्षय निभाते ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार, तू शेर तो मैं सपा शेर, शेर की झलक सबसे अलग है। सात विकेट जाने के बाद मैदान के अंदर आए गए मगर तहलका मचा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास आपके पास है तो पूरी दुनिया आप जीत सकते हो। और इन्होंने कमाल का स्ट्रोक खेला है, सात विकेट चले गए, दुविधा इनके ऊपर नहीं है, इन्होंने सामने वाले को दुविधा में डाला है। शानदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है। मैदान के अंदर छक्का लगने के बाद कैप्टन अब जाकर गेंदबाज के साथ बातचीत कर रहे हैं। रन संख्या देखिए 37, सात विकेट के नुकसान पर। आखिरी तीन गेंदे गए, अभी भी तीन में सात आठ रन बन जाते टोटल अच्छा होगा। इस ओवर के अगली गेंद सौरभ पवार के खिलाफ हल्ला बोला गया, जबरदस्त स्ट्रोक अक्षय निभाते का। ऑन साइड पर अब डीप में फील्डिंग, पांच खिलाड़ी, ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। शानदार गए, शानदार गए, अग्नि परीक्षा थोड़ी सी बाउंसर से है, ऊपर गई है गेंद। और सौरभ पवार भी कहां मानने वाले हैं, इन्होंने कहा मैं छोटा पैकेज बड़ा धमाका रत्नागिरी का हूं, मेरे खिलाफ आपने छक्का लगाया, उसके बाद की गेंद बिंदी आई, जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। अब जाकर दो गेंदे शेष है, महत्वपूर्ण दो गेंदे। रन संख्या पहले पारी के अंदर 37 रन, डॉक्टर इलेवन दापोली सात विकेट के नुकसान पर। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिस्ड ऑफ स्ट्रोक है, नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड में गेंद कितनी भी तेजी के साथ अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी चंद्रकांत गेंद के लिए चाहे थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई है। रन संख्या 39, 39 रन, 39 पर स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ अब जाकर 39 रन सेवन विकेट के नुकसान पर, सात विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। डॉक्टर इलेवन ने टॉस जीता था और कहा हम बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद शेष है, इस बारी की आखिरी गेंद, सौरभ पवार छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की तरफ से, स्टेडियम एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट छोटा सा रन में अंपायर के बगल से, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश एक बार फिर, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास जाते हुए, तब तक एक रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आना पसंद कर रहे हैं। क्या दूसरा रन मुकम्मल का थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो अच्छा नहीं है, दो रन मुकम्मल, तीसरे के लिए वापस आए, भाग मिक्का भाग वाला खेल मैदान के अंदर और तीसरे के लिए रन आउट होना पड़ेगा। स्वप्निल शिंदे तीसरे रन के लिए रन आउट में, दो रन मुकम्मल करते हुए 41 और 42 का टारगेट इस मैच के अंदर। TWG डोमिनेटर्स घाघर के सिर पर गए, जीतने के लिए 42 रन की जरूरत है। अनेक मान्यवर या ठिकाणी जुड़ले जात आहेत, त्यांचं यथोचित सन्मान या ठिकाणी निश्चित केला जाणार आहे। कोकणातली परंपरा पण आहे, तो या ठिकाणी निश्चित छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम वरती रहीमबाई सैबुले यांचा यथोचित सन्मान, या स्पर्धेचे शिलेदार, या स्पर्धेचे आयोजक दीपक पवार साहेब यांच्या शुभ हस्ते केला जाते।
निश्चित एक एक व्यक्तिमत्व आहे जो रत्नागिरीचं क्रिकेट फार उंचीवरती नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते दीपकजी पवार साहेब आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला खेडचे जे खेळाडू आहेत त्यांना ग्लॅमर आणण्याकरता, त्यांना पुढे नेण्याकरता रहीमबाई साहेबांचा प्रयत्न आहे. आणि दोन व्यक्तिमत्व आपण बघितलं तर त्यांचा प्रयत्न खूप चांगले चालू आहे. रत्नागिरीचं क्रिकेट वाढवण्यामध्ये त्याचा सिंहाचा वाटा आहे. त्या प्रयत्नाला देखील सलाम आहे. आणि सन्मान्य आदरणीय आपण बघतोय आमच्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व अजून एक व्यक्तिमत्व जुळले जात आहेत, फैसलभाई मुल्ला. फैसलभाई मुल्ला, आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आपल्या शुभ हस्ते येणाऱ्या मॅचचं टॉस होईल. येणाऱ्या मॅचचं टॉस रहीम इलेवन आणि त्याचबरोबर मायरा इलेवन ग्वागर. फर्स्ट अँड लास्ट कॉल, त्याला टॉस करण्याकरता मायरा इलेवन ग्वागर कॅप्टन, रहीम इलेवन खेड आणि त्याचबरोबर मायरा इलेवन ग्वागर. चला टॉस करता, खूप महत्त्वाची लढत आहे मला माहीत आहे, तुम्हाला आपसात खेळायचं नाही, परंतु एका दिवसामध्ये आज ग्रँड फिनाले म्हणजे खेळावत लागणार आहे. आणि त्या पद्धतीने लॉस पडलेले आहेत, त्या पद्धतीने मॅच होणार आहे. फार महत्त्वाचा मॅच आहे, दोघांना एकमेकाचे या ठिकाणी निश्चित खेळ माहीत आहे. टॉस या ठिकाणी केलं जाणार आहे. टॉस का बॉस, टॉस या ठिकाणी केलं जातं. निश्चित आपण बघितलं तर अजून एक लाडकं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी जुडलं गेलेले आहेत, सन्मान्य आदरणीय फैसलभाई मुल्ला या ठिकाणी जुडलेले आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते येणाऱ्या मॅचचा टॉस, चला टॉस करता. दोन्ही कॅप्टन घ्या, बंड्या मोरे आणि रहीमबाई सैबोले या दोघांना विनंती आहे आपण टॉस करण्याकरता समोर या. मैदानामध्ये या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण लगावलं जात आहे. फार महत्त्वाचा मॅच मैदानामध्ये आहे. दापोली इलेवन, डॉक्टर इलेवन दापोली विरुद्ध टी डब्ल्यू जी डॉमिनेटर्स ग्वागर जिंकण्याकरता एकंदरीत 42 धावांचा पाठलाग या मॅचमध्ये करायचा आहे. 41 धावा बनवले आहेत डॉक्टर इलेवन दापोली. आणि वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी के इस टूर्नामेंट के अंदर स्वागत है. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आकाश सकपाल और समीर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. ऑल सेट, ऑल राइट, हमारी तरफ अंपायर जुड़ रहे हैं, लेट्स प्ले. ऑल सेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुरेश खटावकर. प्रारंभिक गेंदबाज, मुख्य गेंदबाज, ओवर द विकेट आकाश के लिए. पहली गेंद उछाल भरी है, अंपायर एक बार फिर व्हाइट बॉल का सिग्नल दे रहे हैं, ज्यादा ऊपर चली गई है. अग्नि परीक्षा बाउंसर से है, सुरेश खटावकर दापोली से है, आकाश सकपाल दापोली से है, मगर एक दूसरे को एक बार फिर जानते हैं, क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं दोनों भी. अगर बात की जाए तो एक ही टीम के लिए खेलते हैं दापोली के अंदर, आज अब जाकर अलग अलग हैं. इस उम्र की अग्नि गेंद ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर थी, लाजवाब है, कमाल है, बेमिसाल है, दमदार गए, वजनदार गए, क्या खूबसूरत छक्का लगाया. आकाश सकपाल मैन फ्रॉम दापोली जलवा दिखा रहे गए. इन्होंने कहा शेर की झलक सबसे अलग है,
जबरदस्त स्ट्रोक, खराब गेंद थी, कमजोर गेंद थी, बाहर की तरफ थी, और इसका भरपूर फायदा उठाया। मिला मौका, जड़ दिया छक्का। गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का। येणार मॅच टॉस या ठिकाणी केलं जातंय, तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती बघताय फैसलजी मुल्ला साहेब यांच्या शुभेच्छे, ज्यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे चॅम्पियन ट्रॉफी रत्नागिरीमध्ये, आणि त्याचबरोबर आज या रेनी सीझनच्या ट्रॉफीमध्ये देखील त्यांचा मोलाचा वाटा। त्यांच्या शुभेच्छे टॉस रहीम इलेवन आणि मायरा इलेवन गुहागर। मैदान के अंदर दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का। मैदान के अंदर एक तूफान आया गए, एक आंधी आई है, एक जलजला आया गए। उस तूफान का नाम, उस आंधी का नाम, उस जलजले का नाम आकाश सकपाल है। कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। बैक टू बैक दूसरा छक्का आता बा 42 रनों का पीछा कर रहे। पहले ओवर के अंदर इरादे स्पष्ट किए, आकाश ने यही कहा गए, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, मैदान किसी का भी हो धमाका हम करने वाले हैं। TWG के डोमिनेटर्स गुहागर के लिए ये क्यों खेलते गए, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में क्यों आए हैं, उसका जवाब मैदान के अंदर दे रहे हैं। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। श्रेष अपने बोर्डिंग मार्क पर कमेंटर बॉक्स एंड से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद शरीर की तरफ आने वाली गेंद को रक्षात्मक ढंग के साथ खेलते हुए गेंद डीप थर्ड मैन की तरफ जाते हुए एक रन मुकम्मल किया गया। दूसरे के लिए वापस आएंगे। मैदान के अंदर तू तू मैं थ्रो अच्छा नहीं है, इसका फायदा बल्लेबाज जरूर उठाने वाले हैं। और दापोली के लिए डॉक्टर इलेवन दापोली के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मौका था, रनआउट का विकेट ले सकते थे, समीर सावंत को बैक टू पवेलियन भेजा जा सकता था, मगर यहाँ से गलती की है। और क्रिकेट में गलती को माफी नहीं है, चुकीला माफी नहीं है। रन संख्या 2 रनों के साथ इजाफा होता है। अब जाकर स्कोर कार्ड 15 पर पहुंचा के पहला ओवर चल रहा है। महंगा ओवर साबित हुए, महंगे गेंदबाज श्रेष खटावकर, प्रारंभिक गेंदबाज मुख्य गेंदबाज डॉक्टर इलेवन दापोडी के लिए। इस ओवर के अगली गेंद कमेंट्री बॉक्स इन की तरफ से छोटा सा रन अप ओवर द विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पहले मन बना लिया था ऑन साइड पर खेलना के सामने की तरफ खेलना चाहते थे, काव कॉर्नर और लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेलने की कोशिश थी। गेंद बल्ले पर आई नहीं है, गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग, रंग में बंद खिलाड़ी आज रत्नागिरी के खेल रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 15, नो लॉस। TWG डोमिनेटर्स गुहागर चेसिंग टारगेट 42 नाउ। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, यह भी गेंद खराब है। एक बार फिर ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मगर टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, वहां पर खिलाड़ी हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, बल्ले के ऊपर बराबरी से गेंद आई नहीं थी, अक्रॉस द स्टंप चले गए थे। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन के साथ इजाफा। श्रेष खटावकर पहला ओवर बहुत महंगा साबित हो रहा है, 16 रन अभी तक खर्च हुए, बैलेंस ज्यादा नहीं है आपके पास, बैंक बैलेंस कम है, तो खर्चा इस मैच के अंदर भी कम करना होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज श्रेष खटावकर इस ओवर के अगली गेंद लेकर समीर सावंत इस पारी की पहली गेंद खेलेंगे, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में गए, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज आने की कोशिश कर रहे थे, कैच नहीं बना पाएंगे, पहुंच नहीं पाए थे, नो मैच लाइन में जाकर गेंद गिरते हुए 2 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों के पास था। रन संख्या 2 रनों के साथ अब स्कोर कार्ड पहले ओवर का खेल समाप्त, 18-18 रन बने गए 42 रनों का पीछा करते हुए। 24 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। TWG डोमिनेटर्स के लिए स्टार्ट गजब का उबाक है, नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। और अच्छा कुछ पाना गए आपको अच्छा स्टार्ट देना होगा, आगाज अच्छा हुआ गए क्या अंजाम अच्छा होगा। 24 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए TWG डोमिनेटर्स गुहागर को 24 रनों की जरूरत है। पहले ओवर के अंदर 18 रन आए। स्टार्ट गजब का गए, उसके अंदर आकाश सकपाल ने 2 छक्के लगाए, समीर सावंत 2 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हसन दापोली के अंदर इस खिलाड़ी ने यंगस्टर में नाम बनाया है, और यंगस्टर में लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। पहली गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ थी, उछाल लेते भी गेंद को एक बार फिर अजीबोगरीब अंदाज के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, पहला रन मुकम्मल। वहां पर खिलाड़ी अनूप देशमुख थे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन से ज्यादा कितने मिलेगा। अनूप ने बहुत अच्छी तरीके से फील्डिंग की। रन संख्या 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या अगर देखी जाए तो 19 रन, 19 नो लॉस। सेकेंड ओवर प्रोग्रेस,
हसन यंगस्टर खिलाड़ी, कम उम्र के खिलाड़ी हैं, शानदार हैं, जबरदस्त गेंदबाजी। मैंने पहले वही कहा है, यंगस्टर में रैंकिंग में इनका नाम ऐसे ही ऊपर नहीं आया दापोली पे, इन्होंने कुछ किया है, कारनामा अंजाम दिया है। और टेनिस क्रिकेट के अंदर ये धुरंधर खिलाड़ी है। आज मौका गए, बड़ा मंच है, बड़े मंच पर सरपंच बन सकते हो, असरदार गेंदबाजी कर सकते हो। क्या इस मैच के अंदर हसन मौका मिला के उसका फायदा उठाएंगे? दूसरी तरफ आकाश सकपाल ने तो कहा गए TWG डोमिनेटर्स ग्वागर में मैं क्यों खेल रहा हूं और बड़ी टीम के अंदर मेरी जगह यहां पर क्यों बनी है, इन्होंने जवाब दिया गया। दूसरी तरफ डॉक्टर 11 दापोली के गेंदबाजों को जी जान लगानी होगी, मुशक्कत करनी होगी, हरकत करेगी तो बरकत पाएंगे। इस उम्र के अग्नि गेंद लेफ्ट अप राउंड लाजवाब, चारों खाने जीत, दूध का दूध पानी का पानी, सौ सोनार की एक लोहार की, क्लीन बोल्ड होते में समीर सावंत ने निराश किया, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी थे, सीधी गेंद जाकर विकेट पर टकराई। हसन अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और अग्नि परीक्षा में ये तपते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार प्रदर्शन, जबरदस्त गेंदबाजी, समीर सावंत को बाहर की तरफ भेजा गया, निराश है, इस मैच के अंदर कुछ करना चाहते थे मगर इनसे अब जाकर कुछ नहीं भागे, बाहर की तरफ आना पड़ा गए। हसन ने कहा आपको बाहर जाना होगा, जबरदस्त गेंदबाजी, सीधी गेंद जाकर लेग स्टंप पर टकराई। समीर सावन इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो दो रनों का योगदान, दो रन बनाकर डकआउट की तरफ आए हैं। पहले ओवर की कहानी अगर देखी जाए तो पहले ओवर के अंदर 18 रन आए थे, उसके बाद हसन ने 3 गेंदें की, उसके ऊपर एक ही रन दिया गया। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद पर शिकार। हसन आपने किया गया एक शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार, जबरदस्त गेंदबाजी। अब जाकर तीसरे नंबर पर नए खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी हैं, प्रणय मोरे जिनका नाम है, मोंटी के नाम से जाना जाते हैं और कई टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने छाप छोड़ी है। आज मौका आ गया बड़े मंच पर, दोनों तरफ मौका आ गया, दोनों तरफ एक बार फिर देखिए शेर और ढेर की लड़ाई है, शेर बनने वाला मौका आ गया, ढेर बनने वाला मौका आ गया, कौन हीरो बनेगा कौन जीरो बनेगा। इस उम्र की अग्नि गेंद शानदार गए, शानदार गए, जबरदस्त गेंदबाजी, टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी उछाल देते हुए। और एक बार फिर देखिए शरीर के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, इनकी खासियत है शरीर के ऊपर ज्यादा गेंदबाजी करते हैं, अंडर की तरफ गेंदबाजी करते हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। चार गेंदों के अंदर इनकी कहानी देखिए, अभी तक एक रन एक शिकार इन्होंने किया है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद पर शिकार, चौथी गेंद बिंदी आई है, आने वाली दो गेंदें इस ओवर की अभी भी बाकी है और दो गेंदों की कहानी देखने जैसी होगी। ऑन साइड पर चार खिलाड़ी, ऑफ साइड पर पांच, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट उड़ाया आसमान की तरफ, ये कहा खामोश रहने वाले बल्ले के बीचों बीच है प्रणय मोरे, जबरदस्त। मैंने पहले कहा था इस साल में ये खिलाड़ी सबसे जबरदस्त है, जबरदस्त फॉर्म में गए, बल्ले के बीचों बीच है, मिडल ऑफ द बैट, वैदिश लोगन के ऊपर से 6 रन, रन संख्या 25 पर पहुंचते हुए ये कहा खामोश रहने वाले है। इन्होंने कहा आप शेर है तो मैं सबा शेर हूं। और 2022 प्रणय मोरे मोंटी के लिए सबसे अच्छा गया है, मैंने देखा कि 2021-2022 के अंदर इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, तब जाकर TWG डोमिनेटर्स के लिए खेल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो लीडिंग करने का काम प्रथमेश मेंद्रे और मोंटी करते हैं TWG डोमिनेटर्स ग्वागर को, कैप्टनसी दोनों के हाथों में है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हसन तैयार, यंगस्टर गेंदबाज, ये देखिए ये खराब गेंद थी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, छक्का लगने के बाद सिक्सर लगने के बाद दबाव के अंदर आए हैं, नो बॉल का सिग्नल ऊपर ज्यादा की थी, बीमर गेंद थी ऊपर की तरफ ज्यादा आई थी, अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया, दो रन मिलने वाले गए, रन संख्या 2 रनों के साथ इजाफा होता हुआ 27 रन। दूसरे ओवर का खेल पारी का चल रहा है, जीतने के लिए 42 रनों का पीछा, बैलेंस में 15 रन बचे हुए गए, हसन भी महंगे साबित हुए, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है मैदान के अंदर, यहां से देखने वाले गए अंपायर के पास अपील सर्विस कर रहे थे। मैच अगर बात की जाए तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर गए, रन संख्या कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की कहानी श्रेष्ठ खटावकर 18 रन, दूसरे ओवर के अंदर हसन जिन्होंने इस मैच के अंदर इस ओवर में 7 रन दिए गए, माफ कीजिए 9 रन दिए गए, अभी तक रन संख्या 27 पर रुके हुए, 2 ओवर का खेल समाप्त, 18 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। मैदान में जो सामना चल रहा है बीयर किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1 पर वो पहला सलवा गए,
छत्रपति शिवाजी महाराज रत्नागिरी स्टेडियम वरती चालू असलेली प्रतियोगिता ही मानाची स्पर्धा लाख मुलाची स्पर्धा पहिला क्रमांकाचा पारितोषिक 50,000 आणि आकर्षक ट्रॉफी तर दुसऱ्या क्रमांकाकरिता 25,000 आणि आकर्षक ट्रॉफी आपण बघताय. मॅन ऑफ द सिरीज करिता एक स्पोर्टची बायसिकल लाभली आहे आणि वेगळे वेगळे पारितोषिक या स्पर्धेचं स्वरूप आहेत. गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं तर नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर दाखल होतोय. अरमान गेंदबाजी करने के लिए आए. पहली गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद ऊपर की तरफ चली गई. अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल. गेंदबाजी थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही है. दापोली 11 डॉक्टर 11 दापोली के लिए अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है. तीसरे ओवर के अंदर अरमान आए हैं. ओवर द विकेट अरमान तैयार. ज्यादा ऊपर है. पहले बल्लेबाज के ऊपर से चली गई. उसके बाद विकेट कीपर पीछे थे उनके ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन पे जाते हुए नो बॉल का सिग्नल जरूर आने वाला है. इस ओवर के अंदर दूसरी मरतबा ज्यादा ऊपर करने की कोशिश है. खराब सोच है. सोच का दायरा बिल्कुल छोटा है. मैच को जीतना है तो सोच का दायरा बड़ा रखना होगा. रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 30 रनों पर पहुंचे गए. 30 लॉस ऑफ वन विकेट. आउट होने वाले खिलाड़ी आप देख रहे समीर साबन. ऑफ टर्न के बाहर कड़क है. कड़क बेधड़क था मगर खिलाड़ी थे वहां पर. बैकफुट पंच का माल का था. बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी. डीप बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी थे. इन्होंने कैच छोड़ा गए. पकड़ो क्या जीतो मैच. एक और विकेट मिल सकता था. कैचेस विन द मैच. मगर फ्रीट वाली गेंद थी. आकाश को पता था इस गेंद के ऊपर विकेट नहीं गिरने वाला. इसलिए एक बार फिर बेधड़क होकर खेला था. स्ट्रोक को डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी थे उनके हाथों से कैच छूटा हुआ नजर आया. रन संख्या एक रन के साथ 31 ओवर की बात की जो तीसरा ओवर का खेल मैदान के अंदर है. डॉक्टर 11 दापोली के लिए अरमान ओवर कर रहे हैं. अरमान तीसरे ओवर के अंदर नए गेंदबाज. ओवर द विकेट. शानदार गए. शानदार गए. सफल होकर खेलने की कोशिश. ऑफ टर्न के बाहर आ गए थे. अभी भी बैलेंस के अंदर 11 रन बच्चों पे. गेंदे बहुत ज्यादा गए. बैलेंस के अंदर केवल 11 रन बच्चों पे. 16 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है. गेंदे ज्यादा गए रन कम है. इस ओवर की अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा. पीछे की तरफ जाते हुए गेंद. पीछे खिलाड़ी है. एक रन तो मुकम्मल करते हुए एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा. रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 32 रनों पर पहुंची. तीसरे ओवर का खेल एक विकेट के नुकसान पर. पहला विकेट समीर सावंत आउट हुए. 2 रन बनाकर डकआउट में जगह बनाई. उसके बाद साझेदारी अच्छी है. उसके बाद पार्टनरशिप अच्छी है. आकाश सकपाल और प्रणय मोरे के बीच में आप देख रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद अरमान. कड़क स्ट्रोक है ऑन साइड पर. गेंदे में स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी इनके सर के ऊपर थी. गेंद के बाहर. ब्यूटीफुल शॉट. लुक एट दिस बैट्समैन. ग्लोरियस बल्लेबाजी चल रही है. पोल का स्ट्रोक सक्सेसफुल है. पावरफुल स्ट्रोक है. ऊंचाई पर गेंद है. उसको ऑन साइड पर तगड़ा स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बॉट के बाहर जाते हुए इस छक्के के साथ रन संख्या में इजाफा. अब जाकर 38 पर पहुंचे. आकाश की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों में 23 पर गिर रहे हैं. पहले मैच के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन. आकाश सकपाल मैन फ्रॉम दापोली और डॉक्टर 11 दापोली के खिलाफ ही खेल रहे हैं. दापोली की टीम है उनके खिलाफ इनका प्रदर्शन जबरदस्त है. TWG डोमिनेटर्स गुहागर के खिलाड़ी आकाश सकपाल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं. 9 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 23 पर गिर रहे हैं. रन संख्या 38 पर पहुंची. यानी जीतने के लिए 4 रन अभी भी चाहिए. अरमान इस ओवर की अगली गेंद. राइट आर्म ओवर द विकेट. यहां से बैकफुट पंच है. कमाल है. धमाल है. जबरदस्त स्ट्रोक. खेल खलास. नो बॉल का सिग्नल. मैच समाप्त होता हुआ. TWG डोमिनेटर्स ने आसानी के साथ इस मैच को जीता गए. आकाश सकपाल के लिए डकआउट में तालियां बजनी चाहिए. जबरदस्त खेल आकाश सकपाल का. क्या बल्लेबाजी आकाश सकपाल की रही है. इन्होंने कहा गए पूरे बारिश के दिनों में हमने एक बार पे प्रैक्टिस की तब जाकर ये चैंपियन ट्रॉफी रेनी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए रत्नागिरी में आए गए. जबरदस्त प्रदर्शन आकाश सकपाल का. क्या बल्लेबाजी आकाश सकपाल ने की इस मैच के अंदर डॉक्टर 11 दापोली के खिलाफ. TWJ डोमिनेटर्स गहागर के आकाश सकपाल का स्टार्ट अच्छा हुआ. गए नॉट आउट रह गए. कमाल का स्ट्रोक खेलकर दिखाया. बैकफुट पंच कमाल के थे. ऑन साइड पर पुल का स्ट्रोक कमाल का था. और एक बार फिर अलोंग द कारपेट भी अच्छा खेलना जानते गए. और ये खिलाड़ी दुहेरी क्षेत्र में खेलते हैं. ये गेंदबाजी भी करना जानते गए. बल्लेबाजी भी करना जानते गए. और फील्डिंग भी